जिला अस्पताल में बामंदी निवासी एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। प्रसूता को अस्पताल में शनिवार शाम को भर्ती किया गया था। रविवार की शाम करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों में मातम पसर गया। आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस भी पहुंची। मिली जानकारी अनुसार बामंदी निवासी प्रिया पति गौरव जायसवाल 23 की प्रसव के दौरान मौत हो गई। निमगोल निवासी मृतिका के भाई मनीष ने बताया, शनिवार शाम को डॉक्टर महेंद्र बड़ोले के पास प्रिया की जांच कराई थी। डॉक्टर बड़ोले ने कहा था रविवार सुबह 10 बजे प्रसव करा देंगे। मनीष ने आरोप लगाया कि रविवार सुबह 10 बजे डॉक्टर बड़ोले अस्पताल नहीं आए, उन्हें मोबाइल पर संपर्क किया तो फोन अटेंड नहीं किया। ओटी इंचार्ज इंदिरा गुप्ता भी नहीं आई। ड्यूटी डॉक्टर रानू रघुवंशी प्रिया को ओटी ले गई। 10 मिनट बाद ही वो खुद घबराकर बाहर आई और कहा कि पता नहीं पेशेंट को क्या हुआ, उसके मुंह से झाग और खून आ रहा है, जबकि उनकी बहन को कोई बीमारी या समस्या नहीं थी। वह खुद ओटी तक चलकर गई। मनीष ने कहा चिकित्सकों की लापरवाही से उसकी बहन की जान गई। वहीं ड्यूटी कर रही चिकित्सक रानू रघुवंशी ने झटके आने से मुंह में झाग आए और मौत का मामला बताया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का चिकित्सक। ये पेशेंट एडमिट हुई थी हमारे यहाँ और इनकी महिला के दिन ऊपर हो गए थे और कल शाम को ये भर्ती हुई है 10 दिन ऊपर करके, और तब भी इनका बीपी थोड़ा सा बड़ा हुआ था। महिला को ये समझा दिया गया था कि बीपी महिला का बड़ा हुआ है, ऐसे में महिला को झटके आ सकते हैं, और उनको ये भी बताया था कि पहले अपन सोनोग्राफी करवाएंगे, सोनोग्राफी में जैसा आएगा, अगर पानी कम आएगा, बच्चे के गले में पट्टी होगी तो ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो दर्द बढ़ाने की दवा डालेंगे, नॉर्मल ट्राई करेंगे। फिर जब सुबह हमने मरीज को देखा तो सुबह उससे एक पेशाब की जाँच करवाई, जिससे पता चलता है कि बीपी इनका कितना बड़ा हुआ है। है ना, बीपी की रीडिंग तो आती है लेकिन यूरिन टेस्ट में अगर प्रोटीन आता है तो उससे पता चलता है कि मरीज की हालत कितनी सीरियस है। और सोनोग्राफी के लिए बोला था, फिर मरीज करीब 1 बजे के आसपास सोनोग्राफी करवा के लेके आए, तब उसमें पता चला कि पानी की कमी है, और फिर डिसाइड किया कि ऑपरेशन को लेना है। और पेशेंट को तब भी समझा दिया गया था कि बीपी बढ़ा हुआ है, ऐसे ही उसमें मरीज को झटके आ सकते हैं, और झटके जब भी आते हैं मरीज को तो उस टाइम हम कोशिश करते हैं कि उसको झटके के लिए दवाइयाँ दे दें, पर कुछ भरोसा नहीं रहता है, मरीज की जान भी जा सकती है। ये सब उनको समझा दिया गया था और अटेंडर ने, मरीज ने, सभी ने साइन भी किए थे। फिर मरीज को NVM रख दिया था, एक खून की बॉटल का इंतजाम का भी बोल दिया था कि एक ब्लड अरेंज करवा के रखना है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान खून भी जा सकता है। और फिर करीब 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे मरीज को ओटी में शिफ्ट कर दिया था। ओटी में सर भी आ गए थे, एनेस्थेटिस्ट भी आ गए थे, स्टाफ भी थी, 2 हमारे साथ कंपाउंडर भी थे, ओटी टेक्नीशियन थे। और उसके बाद पेशेंट तब भी रिस्क समझा दी थी उनको, और फिर जैसे ही पेशेंट को ओटी के लिए लिया, मतलब पहले स्पाइनल लगाते, बेहोशी की सुई। मौत कहाँ से हुई मैडम? मैं बता रही हूँ आपको, मौत का तो मुझे भी नहीं पता ना, वरना हम उसी का इलाज कर देते हैं। जैसे ही स्पाइनल लगा पेशेंट को, उसको वो चिल्लाने लगी कि कुछ हो रहा है। मैंने फटाफट दोनों ओटी टेक्नीशियन को बाहर दौड़ाया कि अटेंडर को बुला के ले जाओ। दोनों अटेंडर्स जितने भी वहाँ पे, उनके साथ एक महिला थी और उसका पति था, दोनों आ गए। दोनों के सामने पेशेंट बात कर रही थी, बता रही थी कि यहाँ हो रहा है। पेशेंट को बेहोशी की सुई लगा दी थी, लेकिन बेहोशी के बाद जब मरीज को ऑपरेशन के लिए लेते हैं, पेट साफ करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्रेपिंग करते हैं, उसके पहले ही पेशेंट को विदिन 1 से 2 मिनट झटके आ गए। उसने अपनी जीवान काट ली थी, उसके मुंह से झाग आने लगे थे, उसके नाक में से लाल पानी आने लगा था। हम लोगों ने CPR किया, ड्यूटी डॉक्टर भी ऊपर आ गए थे, करीब वहाँ पे 3 डॉक्टर थे। उनको बेहोशी की सुई लगी है, बेहोशी की सुई के बाद जब मरीज को पहले आड़ा कर, मतलब लेटा के सुई लगाते हैं, आपको मैं कैसे बताऊं, और उसके बाद उसको सीधा करते हैं, उसके बाद पेशेंट के ऊपर हम पेंटिंग और ड्रेपिंग करते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन होना उसकी सफाई करते हैं ताकि कोई उसको इन्फेक्शन नहीं हो। तो वो सफाई भी हम नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही उनको झटके आ गए थे। इंसीजन से पहले जी 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 इंसीजन भी नहीं दे पाए हम, इन्फेक्ट पेशेंट को बीटाडीन और स्पिरिट से क्लीन भी नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही उसको झटके आ गए। और
दोनों अटेंडर्स को मैंने पहले ही बुलवा लिया, तो उस दौरान भी मैंने उनकी साइन ले ली थी कि ऐसा ऐसा हमको लग रहा है ये हो सकता है, और उस टाइम भी उनके कहाँ से मैडम ये आए थे, पेशेंट क्या नाम है? पेशेंट का नाम है प्रिया गौरव जायसवाल। कहाँ के हैं ये? रामंदी के हैं। ठीक, आपका नाम लिखते हैं? अब मैं डॉक्टर नामा रघुवंशी हूँ। मरीज को दरअसल बीपी बढ़ा हुआ था और सोनोग्राफी में पानी की कमी आई थी, तो उनको ऑपरेशन का बोला गया था, लेकिन बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो मरीज को झटके आ सकते हैं, ये मरीज को समझा दिया गया। तो उसके बाद भी उन्हें बोला कि नहीं, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। जैसे ही ऑपरेशन के टेबल पर मरीज को लेके गए, उससे बेहोशी की सुई लगाई, और बेहोशी की सुई लगाने के एक मिनट के दौरान ही उनको झटके आने लगे। झटके आने से उनके मुँह से भी पानी आने लगा, नाक से भी फ्लोदिंग होने लगी, सब जगह से फ्लोदिंग होने लगी। और उस समय वहाँ पे तीन ड्यूटी डॉक्टर प्रेजेंट थे, उन तीनों ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी, CPR किया, हर तरीके उनको दवाइयाँ दी, इंट्यूबेट किया, नाक मुँह से नली भी डाली कि वो सक्शन भी पूरा कर सके, पर वो झटके आने की वजह से, मुँह से पानी आने की वजह से उनकी मौत। लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं, इस मामले में आपका क्या कहना? लापरवाही तो देखिए, लापरवाही तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि वहाँ पे उस समय तीन डॉक्टर मौजूद थे और तीनों ने अपनी पूरी कोशिश करी थी, और ये उनके परिजन भी देख रहे थे। हमने उनके दो परिजनों को भी वहाँ पे बुलवा लिया था, क्योंकि जैसे ही बेहोशी की सुई लगाई थी, मरीज को झटके आने लगे थे। मौत का मुख्य कारण क्या है? झटके आना। क्या नाम लिखते हैं पूरा? डॉक्टर रानू रघुवंशी। वो बस बाटर लगाए न कहीं के ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, बड़ो सर का चार बार फोन लगाए हमने, चार बार रानू मैडम करेगी ले जाओ ऊपर, रानू मैडम से बात हो गई ले जाओ ऊपर, ऊपर ले आए। बस मार चोरी मांग पटेल सुई हाथ में लगाई, स्थाई करी अंदर ले गान, बस बाथरूम का रास्ता नड़ी डाली, तीन बार मार चोरी चिल्लाई, मुझे खून भी आई हुआ है, बस मार चोरी बस बेहोश हो गई। क्या कारण क्या है? लापरवाही इनकी, लापरवाही रहा है इन्ना ना कहीं इलाज में, चोरी लापरवाही मानना कि मर चोरी अच्छी बने रहे, कोई वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं रहे। क्या चाहते हो? आज से तो कहीं चोरी ना कमारा गए तो ना उड़ो रहे नहीं, हमने फोन लगाया जब तारा इलाज 9 महीना, तुम जब बुलाया जब हम आया, जब बुलाए जब आया, तो फिर कहीं करो तुम चार चार सौ बड़ा दे सर आया नहीं, बड़ो दे सर आया नहीं, हमने फोन लगाया भर्ती उन्होंने करो, एडमिट हुई जाओ भर्ती भी जाओ, चलो भर्ती उमा भाई मेरी चोरी नौकरिया मैं उसके मम्मी हूँ। कल शाम को हम बच्ची को लाए थे महेंद्र बड़ोले के पास, महेंद्र बड़ोले ने बच्ची को देखा और बोला कि इसको एडमिट कर दो गवर्नमेंट में, कल सुबह 10 बजे इसका सीजर कर देंगे। लापरवाही यही हुई कि 10 बजे महेंद्र बड़ोले अनुपस्थित था, और उसको फ़ोन लगाया 10 बार, तो 10 बार भी अनुपस्थित, उसने अटेंड नहीं करा। उसके बाद जो इंचार्ज है ओटी इंचार्ज इंदिरा गुप्ता, वो भी अब्सेंट है, वो भी अभी दिन भर से है नहीं, और कोई कौन राहुल रानू रघुवंशी जिसको कुछ नहीं आता है, उसने वो ओटी के लिए ले गई थी, और पेशेंट चल के गया ओटी तक, और अंदर 10 मिनट रहा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा पेशेंट, और बाहर निकाल दिया कि बोले क्या हो गया क्या हो गया पता नहीं, उसको खुद को नहीं पता है रानू रघुवंशी को कि डेट कैसे हो गई, उसको खुद को तो नहीं पता है, और उसके नाक और मुँह से ब्लड आने लग गया। क्या कि यहाँ हॉस्पिटल में पूरी तरह लापरवाही है, और डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, और वहाँ पे इलाज कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और यहाँ गवर्नमेंट में कुछ नौकरी के मतलब कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, लापरवाही है मतलब ड्यूटी टाइम पे उपस्थित नहीं रहते हैं। और महेंद्र बड़ोले पर बहुत बड़ा आरोप है मेरा कि उसने 10 बजे का सीजर का बोला था और वो आया ही नहीं। मनीष जायसवाल लगते, मैं उसका भाई लगता हूँ। कहाँ से? निमगुल से। बोलना क्या चाहेंगे यार भैया, उसमें क्लियर करें डॉक्टर साहब, जब अपने को पता चले हमारा पेशेंट तो वहाँ गया था, तो ऑपरेशन थिएटर तक पैदल चल के गया, उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट में तो स्थिति ये बन गई कि डेटेज हो गई उसकी। डॉक्टर क्या हुआ था, कब लाए थे, क्या हुआ था, कब लाए थे? कल शाम को लाए थे। कहाँ से लाए थे आप? बामंदी से, अपने पंजाब होती। मरीज की हालत कैसी थी? मरीज की हालत तो बिल्कुल बढ़िया थी, सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ था। नॉर्मल थी। नॉर्मल थी।
ओटी तक के चल के ओटी तक के हाँ ओटी तक तो बिल्कुल चलते गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर अंदर गए ना, फिर उनके मुँह से वो ब्लड निकला था और टेस्ट निकल रहा था। आईसी में लाए। क्या इलाज में लापरवाही का आरोप है? इलाज में क्या सर, अपने को कहीं पता नहीं था कि यार इलाज में क्या है, पर बाकी डॉक्टर लोगों से पूछना था क्लियर है कि कारण क्या है कि हमारा पेशेंट जब अंदर चल के गया। और सर कल सर बड़ोले सर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि कल आपका प्रोसीजर होगा। उन्होंने सुबह का बोला था और सुबह तो वो दिखे नहीं। और कौन से डॉक्टर कौन से नर्स से बात हुई क्या नहीं हमको बता दो आपकी। यार हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।